हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंटर फ्लावर सीडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सही तरीका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीडलिंग के लिए जो मैंने सॉइल मीडिया लिया है, उसमें मैंने लिया यहाँ पर 50% कोकोपीट, यहाँ पर मैंने 20% यहाँ पर मैंने लिया है, ये है कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट यहाँ पर ले सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। उसके अलावा यहाँ पर 30% लिया है, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको इसमें अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद आपको यहाँ पर सबको मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मिक्सचर में जो कोकोपीट है वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोकोपीट ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब हमें मिक्सर को डाल देना है अपने पॉट में, जो भी हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर मैं अर्थन पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो प्लास्टिक की ट्रे है उसमें किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉट है हमने अच्छी तरीके से यानी सॉइल से अपनी सीडलिंग सॉइल से भर लिया है ऊपर तक। उसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग यहाँ पर हमें अच्छे से करनी है ताकि जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से पूरी भीग जाए। वाटरिंग हो जाने के बाद हमें इसमें एक बार अच्छे से हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है ताकि जो सॉइल है वो एकदम लेवल में आ जाए, कहीं से भी ऊंची नीचे ना रहे। तो फिर इसमें हम कर रहे हैं आइस प्लांट की सीडलिंग। ये देख सकते हैं आइस प्लांट के सीड्स काफी छोटे छोटे और काफी बारीक सीड्स हैं यहाँ पर हैं। अब हमें इन सीड्स को क्या है, दूर दूर थोड़ा छिड़क देना है। ये हमें ध्यान रखना है कि सीड्स पास पास ना गिरे, दूर दूर गिरे। तो फ्रेंड्स, सीड डालने के बाद अब हमें सीड्स को कवर करना होगा। मैं यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो आइस प्लांट के सीड्स होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं और कोकोपीट काफ़ी लाइट होती है। सीड्स कवर करने के बाद अब हमें इसमें वाटरिंग करनी होगी। वाटरिंग हम यहाँ पर स्प्रे से करेंगे क्योंकि हमें वाटरिंग हमने नीचे से पहले ही कर चुके हैं, तो ऊपर से हमें हल्का हल्का मॉइस्चर देना है, इसलिए हम स्प्रे से वाटरिंग करेंगे यहाँ पर। फ्रेंड, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जो वाटरिंग है वो अच्छे से करनी है ताकि जो ऊपर की जो कोकोपीट हमारी वो अच्छे से गीली हो जाए, क्योंकि अब हमें इसे 3 दिन तक कवर करके रखना है। तो जो ऊपर की सॉइल है वो भी अच्छे से गीली होनी चाहिए, तभी इसमें जो जर्मिनेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। तो वाटरिंग करने के बाद अब हमें इसे कवर करना है। इस तरीके से आपको भी एक न्यूज़पेपर ले लेना है जिससे आपको इसे पूरा कवर करना है। कवर करने के बाद आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ शेड आती हो या जहाँ बहुत इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, वैसी जगह पर आपको इसे रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस टाइप की एक प्लास्टिक की ट्रे में सीडलिंग करेंगे। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से सीडलिंग करनी है। सबसे पहले आपको इसमें वही सॉइल मीडिया भरना है जो कि हमने पहले बना के रखा हुआ है अपना। उसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से इसे लेवल कर देना है अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड, इसमें हम लगाएंगे LSM के सीड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है LSM के सीड्स। उसके बाद मैं इसे कोकोपीट से ही कवर कर दे रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले करा था। इसमें आपको भी इसमें कोकोपीट से ही कवर कर देना है। इसमें कोकोपीट से कवर करने के बाद आपको जो ऊपर से इसमें हल्का हल्का शावर करना है। हल्का हल्का शावर इसलिए करना है जो ऊपर की कोकोपीट है, ताकि जो उठी हुई है कोकोपीट है वो थोड़ी बैठ जाए, ताकि आपकी सीडलिंग से अटैच हो जाए। क्योंकि बाकी जो हम वाटरिंग करेंगे वो हम इसे टब के ऊपर रखेंगे, ताकि जिसमें से पानी नीचे से खुद एब्जॉर्ब कर लेगा ऊपर की तरफ। इसलिए अभी हम हल्का हल्का शावर करेंगे वाटर का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब टब में मैंने पानी भर दिया है और मैं इस ट्रे को इसमें रख दूंगा। इस ट्रे को इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रखना है, आपको ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना है। 5 मिनट हो जाने के बाद आपको जो इसे उठा लेना है और जो उसमें एक्सेस वाटर है वो जो ड्रेन हो रहा है वो होने देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें अगर रहेगा तो सीड आपके ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जो एक्सेस पानी है वो निकल जाना चाहिए, यही अच्छा रहता है। पानी निकल जाने के बाद इसे हम न्यूज़पेपर से कवर कर देंगे और इसे भी हम शेडी एरिया में रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जहाँ बहुत कम सनलाइट आती हो। 3 दिन के बाद हम जो इसका न्यूज़पेपर है वो हटा देंगे। 3 दिन के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में।
the time we were standing on the rooftop. You shone as bright as a city before us.